नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। इस समय हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में आज भाजपा के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे दिनेश लाल यादव ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया है। आइए, यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किसे चाहती है। आज बीजेपी कार्यालय पे मौजूद है हमारे साथ, हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर कि आजमगढ़ में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे, क्या नाम है आपका? बबलू राय। बबलू राय नाम है। मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कितना सही साबित होगा? जो मोदी जी का नारा है वो 400 पार होगा। और क्या नाम है कि आजमगढ़ की जनता इतना विकास ले ली है, मोदी जी और दिनेश लाल निरहू जी ने किया है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनवाया, यूनिवर्सिटी बनाया, आजमगढ़ का रिंग रोड बन रहा है, गरीबों को हमेशा राशन मिल रहा है। तो आजमगढ़ की जनता बहुत, क्या नाम है, बहुत खुश है। 1 लाख वोटों से दिनेश लाल निरहू को विजयी बनाएगी। तो आपको लगता है कि इस बार भी भाजपा का दबदबा बना रहेगा आजमगढ़ में? देखिए, भाजपा का दबदबा हमेशा से बना रहा है पूरे देश में, इस बार भी बना रहेगा। इस बार तो हम लोग आजमगढ़ में बहुत ही बम्पर रोड से जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे सांसद जी दिनेश लाल निरहुआ जी जो काम किए हैं 15-16 महीने में, आप भरोसा करिए कि उन्होंने पूरे जिले का, सभी लोगों का विश्वास जीता है। और इस विश्वास की देन है कि इस साल हमारे सांसद जी भारी मतों से आजमगढ़ से विजयी होंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है, क्योंकि इस बार उम्मीदवार जो है वो एक ही समुदाय से, तो आपको क्या लगता है कि जो वोट है इस बार बढ़ जाएगा या फिर भाजपा के ही हक में आएगा? इस बार भी हमारे जो सांसद जी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी, इस बार भी बहुत बम्पर वोट से जीत होगी, क्योंकि चुनाव के पहले से इन्होंने इतना मेहनत और इतना विकास कर रहे हैं कि इनको हर हालत में यहाँ से जीत के ही जाना है। और हमारे विपक्ष कुछ भी जो बोल रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है और सांसद जी हमको बोले हैं कि आपका आजमगढ़ जिला नंबर 1 बना के छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या मानना है इस पे 2024 के चुनाव में आजमगढ़ में किसका दबदबा बना रहेगा? देखिए, आजमगढ़ में अगली जो 2023-22 के चुनाव हुए थे, हमारे निरहुआ जी सांसद हुए थे, आपकी पूर्व बहुमत से हमारी भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में बना रही है और आजमगढ़ में भी हमारी सरकार बन रही है, और विकास पर ही हमारा मुद्दा है। विकास आपका मुद्दा है, आप थोड़ा बताएंगे कि विकास में अभी तक 5 साल में क्या क्या किया है दिनेश लाल निरहुआ जी ने? देखिए, 5 साल नहीं, 2 साल में जितना वो कर दिए हैं, 10 साल तक मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए। अच्छा, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो 2024 के चुनाव में कितना सही साबित हो सकता है? देखिए, जितना सही साबित, क्योंकि आप कह रही हैं, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा था 370 धारा कश्मीर की, मोदी जी ने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो राम मुद्दा, अयोध्या रामलला मंदिर थी, मोदी जी ने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो ये बताइए, अगर हमारी जो जनता पे विश्वास है, मोदी जी का ये विश्वास है कि जनता उनके साथ है और 400 पार है। लेकिन अभी भी जो जनता है आजमगढ़ की, उनका मानना है कि इस बार टक्कर बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी सपोर्ट भाजपा के बीच में, तो इस बार भी दबदबा किसका बना रह सकता है, कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये निरहुआ जी के लिए? कहीं कुछ नहीं रहेगा, सपा एकदम साफ है, मैदान की लड़ाई में नहीं है अखिलेश यादव, इसीलिए आजमगढ़ जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आजमगढ़ झांकने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं, उनको पूरी विश्वास है। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं मोदी जी, आपका क्या मानना है इसमें? मेरा ये मानना है कि आजमगढ़ की जनता इतनी ठग चुकी है, इससे पहले जितने भी सांसद हुए हैं उन्होंने केवल ठगने का काम किया है। यही एक निरहुआ हमारा सांसद है जो 1.5 साल में 15 साल का काम करके दिखाया है, इसलिए यहाँ के एक एक युवा बच्चे और युवतियों ने ये ठाना है इस बारी निरहुआ को ही विजयी बनाना है। ठीक है, मेरा नाम अशोक कुमार पप्पू भोजपुरी, मेरा नारा है भोजपुरी बोला, भोजपुरी बोलावा, भोजपुरी समाज का विकास। आप ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है आजमगढ़ में किसका दबदबा बना रह सकता है? दबदबा तो हमारा है, लेकिन जो हमारे साथ है अंत में बदले ना दबदबा, हम चाहते निरहुआ जी ही का ही यहाँ पे जो दबदबा बना रहे हैं, जीतेंगे, लेकिन हमारे वोटर बदले ना, अगर वो बदलेंगे नहीं तो हमारा विजय निश्चित है। जिस रोड को 45 साल में एक विधायक नहीं बना पाए,
डेढ़ साल में निरहुआ ने उसको बना के दिखा दिया, आजमगढ़ में इतिहास रच दिया है निरहुआ ने, और इसका चुनाव निरहुआ ही जीतेगा, यहाँ से 100% जीतेगा। मुद्दा देखिए यह है कि सांसद वही चाहिए हम लोग को जो बराबर मिलता रहे। इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, प्रमाण पत्र लेने जिले में नहीं आए, फिर उनके बाद उनका बेटा जीता, वो अभी वही काम किया, प्रमाण पत्र भी लेने आया, नहीं लेने आया, उसके बाद 3 साल बाद सीट को छोड़ दिया। तो ये सब अवसरवादी है, समाजवादी भी है, अवसरवादी भी है, क्योंकि हम लोगों को वोट हम लोग दिए उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सुनिए, काल में यही पोस्टर लगा था कि अखिलेश यादव का पता जो लगाएगा 10,000 रुपए का इनाम दिया। 5 साल वो दिखे नहीं, यहाँ की जनता बुरे दौर में थी, तब तक अखिलेश यादव एक बार भी जनता का हाल चाल लेने के लिए नहीं आए। ये हमारे जनता के साथ हमेशा धोखा करते रहते हैं। इनको यहाँ का प्रत्याशी लोकल नहीं मिलता है, ये सफाई टावा का प्रत्याशी लाकर थोप देंगे और वोट लेकर यहाँ पर जीत जाएंगे तो चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ अभी बीजेपी का बोलबाला है, लोग दिनेश निरहुआ जी के काम को यहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अभी ऐसा देखा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में आजमगढ़ में भाजपा ही आ सकती है, फिलहाल लोगों का यही मानना है। अब आगे आने वाला वक्त बताया कि भाजपा की बागडोर किसके हाथ में है।